आज है मेरी ट्रिप का day 13 और आज की जर्नी थी मेरी हेलांग से बद्रीनाथ आने का। हेलांग से बद्रीनाथ आते वक्त मैं बीच में विष्णुप्रयाग रुका, फिर विष्णुप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ आके पहुंचा करीबन 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे। 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर के फाटक बंद रहते क्योंकि तब भगवान को भोग लगा चढ़ाया जाता है। सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना माना विलेज घूम ले। माना विलेज बद्रीनाथ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। माना विलेज जाने के लिए आपको कोई परमिट या पास की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप अगर माना पास जाना चाहते हैं तो आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको जोशीमठ के DC ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ता है। ये छोटू हमारा गाइड, ये ले जाएगा हमको भीमपुल तक। माना पहुंच चुके हैं, वसुधरा यहाँ से है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है वसुधरा यहाँ से। चलते हैं धीरे धीरे। पहले कहाँ ले जाओगे छोटू? अच्छा, पहले गणेश गुफा, फिर व्यास गुफा, फिर भीमपुल। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे रेड वाला झंडा? हाँ। अच्छा, विश्वकर्मा मंदिर, घंटाघरम देवता बोले ना? वो उधर घंटाघरम देवता का मंदिर। माना द लास्ट इंडियन विलेज बिफोर इंडो चाइना बॉर्डर। और माना विलेज करीबन 3,200 मीटर के एलिवेशन पे स्थित है। माना विलेज की मेन अट्रैक्शन है गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीमपुल। साथ में आपको भीमपुल के साथ सरस्वती रिवर भी देखने को मिल जाएगी। माना विलेज में 11,000 मीटर के एलिवेशन पे स्थित है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट हर्बल पार्क। और अगर माना विलेज की पॉपुलेशन की बात करें तो माना विलेज की पॉपुलेशन है करीबन 1300। अगर नाइट एकोमोडेशन की बात करें तो माना विलेज पे कोई नाइट एकोमोडेशन है नहीं। अगर आपको रुकना है तो आप बद्रीनाथ के पास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आप रुक सकते हैं, लेकिन माना विलेज में आपकी नाइट एकोमोडेशन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। बद्रीनाथ से माना विलेज करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप आके विलेज विजिट करके आप आराम से बद्रीनाथ वापस जा सकते हैं। ओ गणेश गुफा ना भाई? क्या करता है? आपने तो सुनो जी, काली में तो छोटा बच्चा नहीं, बताओ बताओ पहले ना, ये वाला पानी है जो हाथी जैसा दिखता है। हाँ। नमक का था पता नमक। हाँ। फिर करें दो बार गैस को फाट कर मास्क खोल लो। हाँ? मास्क खोल लो ना। कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, बोलो जोर से बोलना है इधर। हाँ हाँ पहले बोला और गणेश जी
से लिखा। अच्छा तोरो तोरो भाई अरे वो मना कर रहे मना करना मना कर मयंक क्या मयंक सरनेम मयंक क्या लिखते हो खाली मयंक मयंक काला है मेरा मयंक काला चलो व्यास गुफा 2018 तक ये गुफा 5326 साल पुरानी थी, मतलब अभी 19-20-21 तीन साल और ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 5329 साल पुरानी गुफा है। और इसको बोलते हैं व्यास पोथी क्योंकि ये बुक जैसी लगती है ना, हाँ ये किताब जैसी लगती है ना, इसलिए व्यास पोथी बोलते हैं ना इसको। अच्छा चलो आओ बंद कीजिए उसको। दिखा क्या तोड़ के लाया। सेब सेब खाओ अभी। संगम नीचे पे किस किस मंदिर का किस किस नदी का संगम हो रहा है? जय माता दी। यही जगह पे किस संगम अलकनंदा सरस्वती नदी है। कौन सी अलकनंदा है कौन सी सरस्वती है? सरस्वती अलकनंदा ये सरस्वती है। और भीमपुर कौन सा हो गया? भीमपुर ये कैसा भीमपुल हुआ, इसमें तो पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये भीमपुल है ना, वो भीमपुल है। पत्थर दिखाओ अभी आपको। दिखाओ दिखा कौन सा पत्थर। ये पत्थर ये पत्थर चलो तुम जवान हम लोग तो इधर से उठ के जाएंगे ना, जाएंगे इधर से ही ना। ये भीमपुल है। अच्छा ये पत्थर है। आ,
आपकी छाती जो है कहाँ पर दिखा? दिखाओ कहाँ है हाथ की छाप? कौन सा? अच्छा ये नीचे? अच्छा तो ये पत्थर, ये भीमपुल है, ये पत्थर रखे थे भीम ने ताकि उधर से इधर सरस्वती नदी को पार कर पाए। अच्छा लेकिन इधर तो ये सब बना के एकदम बर्बाद कर दिया चीज को। अभी तो समझ में ही नहीं आता है, पहले ये सब बना हुआ था? नहीं। अभी नया बनाया ना। संगम कहाँ हो रहा है? ऊपर से दिखाई देता है संगम? नहीं। कहाँ से दिखाई देता है? हाँ हाँ दिखता है। अच्छा तो ये रहा भीमपुल, बट यहाँ पर इतनी कंस्ट्रक्शन करके रखी है ना, समझ में ही नहीं आता भीमपुल कौन सा है। बट ये जो पत्थर है ये है भीमपुल। सरस्वती नदी पार करने के समय भीम जी ने ये पत्थर उठा के यहाँ पर रखा था, उसके बाद ही ये लोग पार कर पाए थे। यहाँ पर सरस्वती मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये सरस्वती नदी है और आप देखिए वहाँ पर ब्यूटीफुल से एक रेनबो फॉर्म होकर रखा है, क्योंकि तो पानी इतनी ज़ोर से गिर रही है कि उससे जो वाटर और जो पानी के छींटे निकल रहे हैं उसके वजह से एक छोटा सा रेनबो फॉर्म हुआ है वहाँ पर। और इसी नदी को क्रॉस करने के लिए भीम जी ने ये भीम पुल रखा था, यहाँ पर पत्थर रख के भीम पुल बनाया। और सामने मैं दिखाऊंगा सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी की जो मिलन है, कॉन्क्लुएंस है, वो सामने है, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ माना विलेज में एक छोटा सा प्रयाग भी है, ये जा रही है सरस्वती नदी, वहाँ से अलकनंदा आ रही है और यहाँ पर एक छोटा सा प्रयाग हो रहा है जहाँ पर सरस्वती अलकनंदा में समा जा रही है। नीचे अलकनंदा बह रही है और वहाँ पर है बद्रीनाथ जी का मंदिर। तो अभी हम लोग मंदिर ही जा रहे हैं और साइड के नज़ारे तो देख लो एक बार भाई साहब। एक्चुअली हम लोग श्योर नहीं थे कि दर्शन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मंदिर खुला है, बट वेदर बाहर के लोगों को अलाउ करेंगे या नहीं ये भी पता नहीं था और हम लोगों के पास अभी तक परमिट है भी नहीं। तो अभी देखते हैं, शायद हम लोगों को दर्शन मिल जाएंगे, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि नहीं दर्शन करने जाने दे रहे हैं बद्रीनाथ के लिए, वैसे ही परमिट की ज़रूरत अभी नहीं पड़ रही है। वैसे दिन में एक दिन में 1000% ही 1000 पीपल ही अलाउड है जाने के लिए, बट अभी जैसे भीड़ कम है क्योंकि आज से ही दर्शन स्टार्ट हुआ है, सो एकदम भी भीड़ नहीं है। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो एक दो दिन में अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर बुकिंग 1000 से ऊपर गए डेली का देन मे भी हो सकता है कि आपको परमिट के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तब तो कौन? हाँ सही। तो असम से हैं।
फोटो पूजा हो कुछ करना हो दरगाह मार तो मार दो तुम्हारी हाँ हाँ ये है तपकुंड, वो भी है और इधर भी, और यहाँ से ये गर्म पानी के स्रोत उतर जा रहे हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था है हाथ पैर और नहाने की। नीचे से वेरी हॉट ना है, वेरी हॉट, यकीन नहीं करेंगे, तपकुंड के पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। इस ठंडे वेदर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। नारद कुंड यहाँ से गर्म पानी जाके अलकनंदा से मिक्स हो रही है और इसको बोलते हैं नारद कुंड। बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद हम लोग बद्रीनाथ रुके नहीं, हम लोग निकल पड़े वहाँ से गोविंद घाट के लिए। आइडिया ये था कि मैं कल गोविंद घाट से घांगड़िया की जर्नी करूँगा हेमकुंड साहिब के ट्रैक के लिए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बद्रीनाथ नहीं रुक के गोविंद घाट के लिए आगे बढ़ चलते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, कल मैं दिखाऊँगा आपको गोविंद घाट का गुरुद्वारा और साथ में हेमकुंड साहिब जी के लिए ट्रैक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।